दोस्तों अगर आप लोग भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं और अगर आप ZAGL वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि कैसे आप ZAGL वेबसाइट की फुल पेज स्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में लगाकर अपनी अर्निंग को 10 से 20 गुना बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अक्सर होता क्या है, ZAGL जो वेबसाइट होती है उसमें क्या काम होता है, अपन एक कोई लिंक को शेयर करते हैं, जब बंदा किसी पे क्लिक करता है तब उनको पैसा मिलता है। और फुल पेज स्क्रिप्ट से क्या होता है दोस्तों, अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर अपन को सिर्फ एक कोड डालना होता है, उसके बाद बंदा कहीं पर भी क्लिक करेगा आपकी अर्निंग होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ZAGL वेबसाइट की फुल पेज स्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में कैसे लगा सकते हैं और कैसे अपनी अर्निंग को कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल और मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को इतना सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए सीख लेते हैं। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं ZAGL वेबसाइट से फुल पेज स्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में कैसे लगा सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं फुल पेज स्क्रिप्ट क्या होती है। फुल पेज स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आपको सिर्फ एक कोड अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में डालना होता है, उसके बाद जितनी भी आपकी पोस्ट वेबसाइट पर हैं सब पर क्लिक करने पर ऐड दिखाई देता है और आपकी कमाई भी कई गुना ज़्यादा होती है। तो चलिए अपन सीखते हैं ZAGL वेबसाइट की फुल पेज स्क्रिप्ट अपन अपनी वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको अपना ब्राउजर को ओपन कर लेना है, PC में जो भी आपका ब्राउजर है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो ब्लॉग है ना उसको ओपन कर लीजिएगा, जो आपकी ब्लॉग है वेबसाइट है। चलिए मैं अपना ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे। ये ब्लॉग मेरा ओपन हो चुका है, कई सारी वेबसाइट हैं लेकिन जिस ब्लॉग पे मुझे अपना ऐड लगाना है मैं उसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। है दोस्तों अभी ये मेरा ब्लॉग खुल चुका है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा विजिट कर पे करके इसको खोल कर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ये जो ब्लॉग है काफ़ी सारी यहाँ पर पोस्ट पड़ी हुई हैं, कहीं पर भी कोई ऐड नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए डायरेक्टली ये पोस्ट खुल जाती है लेकिन कोई ऐड आपको दिखने को नहीं मिलता है ना। इसी पोस्ट से मतलब नहीं है, जितनी भी कहीं पर भी पोस्ट पड़ी हुई है, कुछ भी पोस्ट जैसे मैं आगे भी निकालता हूँ है ना, ये मैं आगे निकालता हूँ यहाँ से, इसी में क्लिक करता हूँ इस वाली पोस्ट पे, तो आप देखिए ये कोई ऐड नहीं शो हो रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कहीं पर भी किसी ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, जैसे मान लो लिखा हुआ ऐड अबाउट एप्लीकेशन टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लेमर, कहीं पर भी मैं क्लिक करता हूँ तो भी दोस्तों आप देखेंगे मुझे कोई भी किसी प्रकार का ऐड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये कैसे लगा सकते हैं अपन, आज की इस वीडियो में आपके लिए यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों, आपको आपका जो ZAGL का अकाउंट है उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने ZAGL की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कीजिएगा है दोस्तों। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं है ना। मेरा इस पर ऑलरेडी अकाउंट है तो मेरा यह लॉगिन है, मैं सीधा डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा। ये देखिए ये मेरा अकाउंट खुल चुका है और मैंने अभी इसी हफ्ते में आप देख सकते हैं $24 समथिंग अर्निंग की हुई है ना। अगर आपका इस पर अकाउंट नहीं है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से अगर आप क्लिक करके अकाउंट बनाते हैं तो आपको $3 इसमें फ्री मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे खोल के अकाउंट बनाएंगे तो आपको $0.00 मिलेगा, मतलब मेरे रेफरल लिंक से अगर आप उसमें ज्वाइनिंग करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट $3 का होगा, साथ में मुझे भी $1-2 मिल जाएगा है ना आपके ज्वाइन होने पर। अब दोस्तों अपन बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि अपनी जो वेबसाइट है उस पर अपन फुल पेज स्क्रिप्ट कैसे लगा सकते हैं ZAGL वेबसाइट की। सबसे पहले आपको बताना चाहूँ दोस्तों, ZAGL वेबसाइट जो होती है ना, तो इसे मान लीजिए आपकी कोई अगर कोई आप लिंक यहाँ से शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट करके किसी बंदे को सेंड करते हैं, जब वो बंदा उस पर क्लिक करता है तभी ऐड दिखाई देता है। और अगर आप मान लो इसका फुल पेज स्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं तो बंदा आपका कोई कहीं पर भी क्लिक करेगा, कहीं पर पूरे पेज में तो कहीं भी क्लिक करेगा आपका ऐड दिखाई देगा। आपको हर एक पोस्ट में अलग से नहीं डालना होगा कोई भी कोड, तो ना कोई आपको शॉर्ट लिंक करना होगी। तो ये कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको आ जाना है आपके डैशबोर्ड ZAGL की वेबसाइट पे। यहाँ आपको देखने को मिलता है टूल्स, देख सकते हैं आप ये टूल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं क्विक लिंक, मार्क्स लिंक है ना, फुल पेज स्क्रीन स्क्रिप्ट डेवलपर API है ना, ये सब लिखे मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फुल पेज स्क्रिप्ट ए वाला, देख सकते हैं आप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये नीचे वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, कोड जो देखने को मिलता है इसको आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। आपकी थीम्स में आइए, यहाँ पे आइए, देखो आपकी जो ब्लॉगर्स वेबसाइट है ना, आप इसको ओपन कर लेते हैं, अपना डैशबोर्ड है ब्लॉगर्स का है ना, यहाँ आपको क्लिक करना होगा थीम्स में। जब थीम्स में आप क्लिक करते हैं है ना,
तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ये 2020 का ब्लॉगर से अपडेट हो चुका है, जो पहले ऑप्शन आते थे वैसे नहीं आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो आप समझ लीजिए, आपको थीम्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप ब्लॉगर्स को खोलेंगे, थीम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है दोस्तों एक ऑप्शन है ना कस्टमाइज, है ना, ये लिखा आता है माई थीम्स पे। तो यहाँ पे आपको तीन डॉट देखने को मिलते हैं, आपको तीन डॉट पर क्लिक कर देना है। जब तीन डॉट पर क्लिक करते हैं, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडिट HTML वाला। देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, आप जब ब्लॉगर्स खोलेंगे तो आपको जो ब्लॉगर्स खुलेगा वो ऐसा खुलेगा, जैसे ब्लॉगर्स को लोगों होंगे। उसके बाद आपको आना है थीम्स में। थीम्स में आने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है, ये कस्टमाइज लिखा हुआ है थीम्स पे, माई थीम्स। तो इस पे आपको तीन डॉट में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और एडिट HTML पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जब एडिट HTML पे क्लिक करेंगे आपके सामने काफ़ी सारी कोडिंग आ जाएगी, है ना दोस्तों। तो आपको करना क्या है, सबसे नीचे आइए, बिल्कुल लास्ट में आपको आना है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बॉडी। देखिए दोस्तों, बॉडी फिर HTML। तो करना क्या, बॉडी के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जब बॉडी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको करना कुछ भी नहीं है, ये जो कोड है जेड है जीएल वेबसाइट का, इसको यहाँ से पूरा कंप्लीट कॉपी कर लीजिएगा, पूरा फुल कोड आपको कॉपी कर लेना है, जितना भी कोड है। या इसको यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी, ये पूरा आपको कॉपी कर लीजिएगा, इतना पूरा कोड कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको वहीं पर आना है, है ना, टेम्पलेट एड्रेस में, है ना, थीम्स में, यहाँ पे आपको उस कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये पेस्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, आपने ना ये जो बॉडी है इसके ऊपर से पेस्ट किया हुआ है, ना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने को मिलता है ये वाला, इसको ओके कर दीजिएगा। तो अभी देखिए लिखा रहा है प्रोसेसिंग, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे अपन। अब देखिए अपडेट सक्सेसफुली, आपको कुछ भी नहीं करना, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ आप देखिए व्यू ब्लॉग अपन अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे खुल जाएगी। अब आप देखेंगे आपकी वेबसाइट किसी भी टॉपिक पे हो, काफ़ी सारी आपकी वेबसाइट पे पोस्ट होंगी। अब आप किसी भी पोस्ट पे जो आपका विजिटर है क्लिक करता है, मान लीजिए इस पोस्ट पे क्लिक करता है, तो आप देखेंगे ये पोस्ट खुलने से पहले यहाँ पे JDGL वेबसाइट का एड उसको देखना होगा और 5 सेकंड यहाँ पे वेट करना होगा। अब गेट लिंक पर अगर बंदा क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट है तब जाके खुलेगी और इसी चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं इस वेबसाइट पे। तो इस तरीके से अपनी वेबसाइट में फुल पेज स्किप को लगा सकते हैं दोस्तों। इसी से मतलब नहीं है, अगर बंदा कहीं पर क्लिक करता है आपके जो आपने दिए हुए हैं कैटेगरीज वाइज, जैसे मान लो प्रोफाइल पर क्लिक करता है, तब भी आप देखेंगे कि JDGL वेबसाइट का उसको एड देखना ही होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोग सीख गए होंगे कैसे अपन JDGL वेबसाइट का फुल पेज स्किप कोड को अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में लगा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आ गए हो या भूले भटके आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही कई सारी वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग की और भी वीडियो पड़ी हुई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।